Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. I hope you are doing well at home. Student, today we are going to work in our workbook. So open your workbook page number 14. Today we are going to do an activity. स्टूडेंट आज हम एक स्मॉल सी एक्टिविटी करने लगे हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड जो हमने चैप्टर पढ़ा है फूड एंड बैलेंस डाइट. तो आज की जो एक्टिविटी है वो हमारी कुछ रिलेटेड फूड से ही है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने दो फूड रखे हुए हैं, ठीक है. एक साइड पे मैंने हेल्दी फूड रखा हुआ है और एक साइड पे मैंने जंक फूड रखा हुआ है. तो अब आप इन दोनों में से देख के बता सकते हैं कौन सा हेल्दी है और कौन सा जंक फूड है, राइट. आपको पता चल रहा है कि ये वाली साइड जो है, जो लेफ्ट साइड है वो हेल्दी है और जो राइट साइड है वो अनहेल्दी है. तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता है? वैरायटी ऑफ फूड खाना लेकिन उसकी राइट अमाउंट में, ठीक है. राइट अमाउंट होनी चाहिए ताकि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहे. तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या रखा, एग है, मिल्क पड़ा हुआ है, कैरेट है, कुकम्बर है, ठीक है, और फ्रूट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर. तो ये सब हमारे जो है ये हेल्दी है. हम इसे राइट अमाउंट में अगर खाएंगे, सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो हमारी डाइट जो है वो बैलेंस रहेगी. लेकिन अगर हम सिर्फ जंक फूड खाएंगे तो हम बिल्कुल भी हेल्दी नहीं हो सकते अगर हम ये सब खाएंगे. तो हमारी जो है मील को क्या चीज़ जो है वो बैलेंस रखती है कि जब हम सारी चीज़ें खाएं, वैरायटी में सारी चीज़ें खाएं लेकिन बैलेंस्ड करके खाएं, अपनी जो अमाउंट है खाने की वो राइट होनी चाहिए. तो अब आप इन दोनों पिक्चर से देख के बता सकते हैं कि कौन सा जो है मील है वो बैलेंस्ड है. ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है. तो आप लोगों को देखने से पता चल रहा है कि ये वाली जो साइड है ये बैलेंस्ड है. इसमें क्योंकि ये वैरायटी ऑफ फूड है, ठीक है, लेकिन अगर आप जब लेंगे तो आप इसको अपनी राइट अमाउंट में लेंगे. और ये जो है ये सब जंक फूड है, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें हेल्दी करती है. ओके स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.